रिस्पोंडिंग। एक दौर ऐसा भी आया जब हम अपनी सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे, लेकिन माताजी का विश्वास उस वक्त भी कायम था। इनके सच्चे दिल से मांगी गई सतनाम वाहेगुरु की दुआओं का असर है कि प्रीत की सांसें वापस आ गई हैं। आप हमें जिस मकसद से लेकर गए थे, हमने उससे ऊपर कहीं कुछ हासिल किया, अपना लक्ष्य हासिल किया है। लेकिन किस कीमत पर? जज्बे की कीमत मत लगाइए सर। प्रीत ने जो कुछ भी किया उस पर आपको फक्र होना चाहिए। और आपने हमें कैडेट से सिपाही बना दिया, देश के लिए लड़ने वाला सिपाही। सब आई एम श्योर, जितना मैं प्रीत को जानती हूँ, मुझे विश्वास है कि वो जिंदगी भर आपकी थैंकफुल रहेगी। पता नहीं थैंकफुल रहेगी या मुझे ब्लेम करेगी। अगर पता नहीं है तो मेरे विश्वास पर विश्वास कर लीजिए। कैडेट होने के नाते नहीं, अपनी बचपन की दोस्त होने के नाते। साक्षी, अगर प्रीत को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कुछ नहीं होगा उसे, और आप ऐसे मत कहिए, नहीं तो प्रीत को भी बुरा लगेगा कि उसका आदर्श, उसकी जिंदगी को मकसद देने वाला इंसान इस तरह से टूट रहा है। काश प्रीत की जगह मैं होता साक्षी। आज बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं मैं, बहुत कमजोर। आप कमजोर नहीं है अर्जुन, हम सब आपके साथ थे, साथ हैं। अब कोई हो ना हो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। और वैसे भी मेजर अर्जुन राठौड़ की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। थैंक यू साक्षी, थैंक यू सो मच। अगर तुम ना होती तो शब्द जहां आते हैं जज्बातों को तोड़ देते हैं। और आप जो महसूस कर रहे हैं, मैंने उसे महसूस कर लिया। उन एहसासों को शब्दों में डालकर कमजोर मत बनाइए अर्जुन। कितनी अजीब बात है, प्रीत की वजह से ही मैं अर्जुन से दूर हुई थी, और आज उसी की वजह से अर्जुन मेरे करीब आ रहे हैं।
और कितनी देर लगेगी मेरी प्रीत को ठीक होने में? माँ जी आप इत्मीनान से बैठिए, प्रीत को थोड़ी देर में आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा। अच्छा फिर तो हम उसे मिल सकते हैं ना? नहीं, जब तक उनको होश नहीं आ जाता आप नहीं मिल सकते। हाँ जब उनका शिफ्टिंग होगा तब आपको देखने को मौका मिल जाएगा। तेरा बाप मुख्तार। जी आप बैठ गया। भाई पनाह देता है और बहन हमला करती। तूने मेरी पीठ में खंजर घोपा है शेरा। मैं गद्दारी करने वालों को कभी माफ नहीं करता, याद रखना। देखिए वो मेरी बहन जरूर है लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो उसी जंगल में है जिसमें आप हैं। और फिर आर्मी वाले आप पे हमला करेंगे ये मुझे तो नहीं मालूम था ना, इसीलिए और अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपको बता देता। पर आप लोगों को भी वहां नहीं छुपना चाहिए था, मुझे क्या मालूम। और आप कुछ दिनों के लिए मुझे फोन मत कीजिएगा क्योंकि मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, समझ रहे हैं ना? ओए शेरा किससे बात कर रहा था? कोई नहीं बापू जी, बस ऐसे। किसको मना कर रहा था कि कुछ दिन तुझे फोन न करे? बापू जी कोई नहीं था, आपने किसी और को सुन लिया होगा बापू जी। मेरे कान अभी इतने कमजोर नहीं हुए कि मैं तेरी आवाज न पहचान पाऊं। वो किससे तू कह रहा था कि कुछ दिन फोन न करना? ओ बापू जी वो पंचायत वालों का फोन आया था, वो इलेक्शन आ रहे हैं ना बापू जी, तो वो आपका नाम रख रहे हैं, तो इलेक्शन का फॉर्म भरने के लिए वो बापू जी फोन कर रहे थे। मैंने मना कर दिया कि अभी कुछ दिनों तक फोन ना करें, घर में टेंशन का माहौल चल रहा है बापू जी। सच कह रहे हैं तू? बापू जी मैं सच कह रहा हूँ, आपको तो मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता ना बापू जी। ये फोन लीजिए बापू जी, आप बात कीजिए। ऐसी बात नहीं है रे, वैसे पुत्र ठीक किया, ये वक्त इलेक्शन के बारे में सोचने का नहीं है, ये वक्त तो प्रीत के बारे में सोचने का है। चल पुत्र अंदर जा। डॉक्टर ये ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर ये ठीक हो जाएगी ना? प्रीत आगे खोल ला प्रीत। डॉक्टर साहब अब प्रीत कैसी? प्रीत मेरी बच्ची है। दूर हटिए प्लीज, आप अभी इन्हें नहीं छू सकते। आप साइड में रहिए, प्रीत होश में नहीं है। प्रीत हाय बाय करो, क्या हो गया प्रीत के साथ? ठीक कर दो इसको। आप मेरी बच्ची को बचा तो लेंगे ना? बचा लेंगे ना उसे? हाँ डॉक्टर साहब बोलिए ना। जोगिंदर जी, प्रीत के पिता होने के नाते मैं आपसे यही कहूंगा कि इन्हें समझाएं कि हमें हमारा काम करने दें। अगर इलाज में जरा सी भी देरी हुई तो प्रीत की जान को खतरा हो सकता है। सुना सबने,
मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप सबसे कि डॉक्टर को अपना काम करने दो। जितनी फिक्र हमको प्रीत की है, इनको भी तो उनकी जान की इतनी फिक्र है। ले जाने दो प्रीत को आईसीयू में। वह भरोसा राख, जब रब ने उसकी सांसें लौटा दी है तो प्रीत भी हमें लौटा देगा। चलिए डॉक्टर साहब, लेके चलिए। प्रीत, बस इतना याद रखना कि तू सिपाही है, तुझे फाइट करना और विन करना। मेरे साथ जय माता दी बोलना तुझे। प्रीत, देखिए 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद ही हम कुछ कह सकते। आप धैर्य बनाए रखें। जी, तुम मुझे उठा ले, लेकिन मेरे भूल से भक्ति को बख्श दे। भला किसी का क्या बिगड़ है, क्या बिगड़ है। वह सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तुम लोग चिंता ना करो। उत्तर अब तो 24 घंटे इंतजार करने के अलावा हम तो और कुछ कर भी नहीं सकते। बाकी सब तो रब के हाथ में। फ्रॉक तेरे पे कितनी अच्छी लग रही है, तू एकदम खिल रही है, गुड़िया लग रही है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाय रब्बा, फ्रॉक नहीं चाहिए तो फिर की चाहिए? हाँ बोल नो। आर्मी ड्रेस। वही आर्मी ड्रेस तो मुंडे पहनते हैं, गुड़िया तो या तो सूट पहनती है या फ्रॉक पहनती है या फिर स्कर्ट। तुझे क्यों चाहिए आर्मी ड्रेस? मैं फौजी वाली वर्दी पहनकर आर्मी में जाऊंगी, देश की सेवा करूंगी और दुश्मनों को अपने बंदूक से थान 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 कर दे सबको। अम्मा मुझे गन भी दिलाना। अच्छा। और समय या तुम वाली वर्दी पहनूंगी या तो अपने बर्थडे पर कुछ भी नहीं पहनूंगी, मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी। हाय रब्बा, तू मेरे नाल कट्टी हो जाएंगी है? ठीक है ठीक है, मैं तेन दिला दंगी आर्मी ड्रेस। ठीक है। जब तक मेरी बच्ची को होश नहीं आ जाता मैं पानी तक नहीं पीऊंगी। परेशान खड़ा है, ठीक हो जा पुत्र और चल हमारे साथ घर, ठीक हो जा मेरी बच्ची। Ha 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 ha
तक यहाँ खड़ी रहेगी। चल। नहीं, थोड़ी देर और यही रहने दीजिए। बिना तू जब तक यहाँ खड़ी रहेगी ऐसे ही रोती रहेगी। माँ होकर अपनी बेटी पर नाज करने के बजाय तू ऐसे आंसू बहा रही है। पगली, प्रीत ठीक हो जाएगी पर रो रो के अगर तेरा बुरा हाल हो गया तो हम सबका क्या होगा? वो नींव है घर की, तू जरा सोच। चल माँ हूं तभी तो वो दुख महसूस कर रही जो एक बाप कभी महसूस नहीं कर पाता। बाप बस कह नहीं पाता रचना जी। चल बैठ। पाजी कुलजीत, पुत्र पुत्र कुछ काम था? नहीं बाबूजी, मैं बस प्रीत को देखने के लिए आया था। पुत्र, मैं भी इसीलिए यहाँ खड़ी थी, पर देखो ना, ये जबरदस्ती मुझे यहाँ से लेकर जा रहे हैं। एक माँ के दिल पर क्या बीतती है ये नहीं समझ पा रहे। मम्मी जी, अपनी बेटी को इस हालत में देखकर एक माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरा यकीन मानिए, आपके जितना तो नहीं और उससे कम प्यार भी नहीं करता मैं प्रीत को। और पुत्र तू ही समझा इसको, मेरी तो कुछ सुनती नहीं है। देख रो रो के पूरा शरीर सुखा लिया है। पगली, प्रीत ठीक हो जाएगी पर तूने अगर रो रो के अपना ये हाल कर लिया तो फिर हम सब का क्या होगा? भाई पूरे घर की नींव है, तू जरा सोच। मम्मी जी, आप हम सब लोगों की हिम्मत है, ऐसे वक्त में अगर आप टूट जाएंगे तो हम सब क्या करेंगे? मैं तो कहता हूं कि आप बेबे और निमृत भाभी को लेकर घर चले जाइए और कुछ देर आराम कर लीजिए। यहां हम सब हैं प्रीत का ख्याल रखने के लिए। नहीं कुलजी, जब तक मेरी बेटी को होश नहीं आ जाता, आराम तो क्या, पानी की एक बूंद तक नहीं उतरेगी मेरे गले से। फिर क्या ये पागलपन है? आप इसे कुछ भी नाम दीजिए पर मैं सच कहती हूँ, जब तक मेरी बच्ची को होश नहीं आ जाता मैं पानी तक नहीं पीऊंगी। Come on, cadets. You have to control your emotion. तुम लोग ऐसे मुंह लटकाकर यहां पर खड़े नहीं रह सकते हो। We are Indian soldiers and we set an example of strength and power. हमें देखकर लोगों की हिम्मत बढ़ती है। तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम लोग ऐसे मुंह लटकाकर यहां पर खड़े रहोगे तो वहां पर प्रीत के फैमिली पर क्या असर पड़ेगा? हमें देखकर वो और डिप्रेस हो जाएंगे। You have to be normal, you have to be calm. Anyway, मुझे एक बात की बहुत ज्यादा खुशी है, बट उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछने जा रहा हूं कि आप लोगों ने इतनी बहादुरी का काम बिना वेपन के किया कैसे? अर्जुन सर ने हमें वहाँ पेड़ों से बोज और एरोज बनाने सिखाए थे जिसपे हमने पॉइजनस लीफ लगाकर उसे रेडी किया। एंड ट्रस्ट मी सर, वो एक तीर कई गोलियों से कम नहीं। असली हिम्मत और काबिलियत प्रीत ने दिखाई, वो एक सच्ची सोल्जर है। सर, एक्चुअली अर्जुन सर लीड कर रहे थे और मैं उनके पीछे थी, साक्षी और दिया मेरे पीछे और बाकी पूरी टीम उनके पीछे थी। मुख्तार ने सर को टेंट में
कैदी बना के रखा हुआ था, मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं भी आगे चली गई। और फिर उसके बाद सर, मैंने बाहर बाकी सभी कैडेट्स को कहा कि टेंट को अच्छी तरह से घेर ले चारों तरफ से। उसके बाद हम सब लोगों ने मिलकर एक एक करके टेररिस्टों को धर दबोचा। दिया, तुम कुछ कहना चाहती हो? सर, उसके बाद प्रीत ने उस टेररिस्ट को तीर मारा जिसने सूर्या की गर्दन पे चाकू रखा था। रश्मि सर, प्रीत का निशाना बहुत अच्छा है सर। इंटरेस्टिंग। लेकिन मुझे आप लोग एक बात बताइए कि आप लोगों को कैसे पता चला कि उस जंगल में टेररिस्ट है? सर, एक्चुअली अर्जुन सर ने हमें रेस्क्यू मिशन की ड्रिल के लिए भेजा था। मैं, साक्षी और दिया रेस्क्यू टीम में थे। सारा और मीनाक्षी, वो दोनों किडनैप हो रखे थे और बाकी सब लोग किडनैपर बने हुए थे। जब हम लोग उनको ढूंढने के लिए गए तो मैं पता नहीं कैसे रास्ता भूल गई, भटक गई और पता ही नहीं चला कहाँ पहुंच गई। तभी दूर मैंने एक टेंट देखा जिसके बाहर कुछ लोग खड़े हुए थे और उन लोगों के हाथों में गन्स थी। और उसके बाद तुमने अर्जुन को सब कुछ बताया और अर्जुन ने तुम लोगों को मिशन में इन्वॉल्व कर लिया? यस सर। दैट्स नाइस, ग्रेट, गुड जॉब। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सर, उसके बाद तो अर्जुन सर, सूर्य और प्रीत ने कमाल ही कर दिया सर। नहीं सर, सर असली हिम्मत और काबिलियत प्रीत ने दिखाई। वो एक सच्ची सोल्जर है सर। अगर आज वो नहीं होती ना तो शायद उसकी जगह मैं आईसीयू में होती और शायद वही सही भी होता ना सर। भाग जब अपने खून की जिंदगी की हो ना और कोई जानबूझकर सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहा हो तो मजबूर करना ही पड़ता है। आप बताओ, मुझे बताओ क्या बात है? भाई क्या बताऊं? क्या बताऊं? बोलो कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है।